राजधानी दिल्ली के मटियाला रोड पर सतगुरु साईनाथ एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संत रविदास जयंती का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्थानीय निगम पार्षद रमेश मटियाला भी मौजूद रहे। संत रविदास जयंती के मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर संत रविदास के जीवन के बारे में प्रकाश डाला। हम आपको बता दें कि इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय निवासी और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोग मौजूद रहे। पार्षद रमेश मटियाला ने संत रविदास जयंती कार्यक्रम को लेकर आयोजक संस्था SS एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की सराहना की। ये तो है, ये बात संत रविदास जी महाराज जी के कहे हुए वचन है, वो बात है। तो सचमुच हमें इनके जीवन से, इनके आदर्शों पे हमें चलना चाहिए। इतना अच्छा इस पूरी ट्रस्ट ने, पूरी चैरिटेबल साईनाथ एजुकेशन ट्रस्ट ने ये प्रोग्राम किया, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी ने इतना प्यार मान सम्मान दिया, आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देते रहेंगे और मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। जी बोलो संत रविदास जी महाराज की। कापसहेड़ा SDM कार्यालय की ओर से नवीन कोटिया विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। तो आज के रविदास जयंती के कार्यक्रम पे आप सभी का धन्यवाद और शुभकामना भी आपको। पूरी दिल्ली सरकार ने सभी संस्थाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम किया उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस आयोजन के लिए मैं विशेष तौर पे कविता बहन जी का, सर का और रेणु जी का विशेष तौर पे आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि जो इन्होंने ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाते हैं ताकि समाज को जोड़ा जा सके। जाति भेद को दूर करने के लिए रविदास जी ने बहुत सारे सराहनीय काम किए और आज हम उन्हीं के कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम देश के अंदर जाति भेद को खत्म करेंगे, एक दूसरे को देश को जोड़े रखेंगे और उनका संदेश को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। ये संस्था बहुत नए काम कर रही है, स्वयं सहायता समूह की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो संस्था काम कर रही है, ये काम कोई अपने आप में नहीं हुआ, छोटी छोटी चीज़ों से कोशिश करके आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें जितने लोग नीचे बैठे हैं उनका भी विशेष तौर पर धन्यवाद है और उनकी मेहनत है कि आज हम लोग ये सब लोगों ने किया। और मैं पुनः दोबारा कविता मैम का, बहन जी का और सर का और पूरी टीम का, जो लोग फ्रंट में हैं और जो टेंट के पीछे होके भी काम कर रहे हैं, उन पूरी टीम का सभी का धन्यवाद करता हूँ। संस्था बीते 6 वर्षों से सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभा रही है और देश के सम्मानित लोगों की जयंती पर कार्यक्रम कर देशवासियों में प्रेरक संदेश पहुंचाने का काम कर रही है। मेरा नाम कविता है और मैं सदगुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक हूं। हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं आज का रविदास जयंती का, इसमें जो था बच्चों का हमने कल्चर प्रोग्राम किया था, जो हमारी नारी शक्ति स्वरूपा की टीम थी आज उनको हमने सम्मानित किया, जिन बच्चों के कोर्सेज कंप्लीट हुए थे उनको हमने सम्मान पत्र दिया, यही का आज का हमारा कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम इसमें हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें समाज के ऊपर जितने भी और धर्म जाति को लेकर उनके भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हमने ये आज का कार्यक्रम रखा है कि जो धर्म और जाति के नाम पर आजकल लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये आज का कार्यक्रम रखा है कि हम एक ही धर्म है हमारा इंसानियत का, और इंसानियत के लिए हम कार्य कर रही है हमारी संस्था। मेरा नाम सरिता त्यागी है और मैं जैन पार्क उत्तम नगर रहती हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है और NGO के द्वारा, और मैं चाहती हूँ ऐसा प्रोग्राम हर साल होए हमारे यहाँ पे। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए, कैसा लगा और क्यों लगा? अच्छा लगा, बहुत लेडीजों के उसमें बहुत प्रोत्साहित था। एक कविता मैम है जो उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हमारे यहाँ पे और मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मेरे एरिया में वालों को भी बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। और ये कार्यक्रम संत श्री रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में और साई एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। काफ़ी अच्छा भव्य समारोह था, बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर शिरकत की। और जैसा कि हम जानते हैं संत श्री जो रविदास जी थे, उन्होंने जो संदेश दिए हमको
क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं ना, जो पशु पक्षी भी होते हैं, सुबह उठते हैं और शाम तक उनकी एक ही कवायद होती है कि किसी तरह पेट भर भोजन मिल जाए। कहीं ना कहीं हम इंसान भी, अगर हमें सोचना होगा, कहीं ना कहीं हम भी वही उसी ढर्रे पे तो नहीं चल रहे हैं कि बस सुबह उठना है और शाम तक रोजी रोटी कमाना है और फिर सो जाना है। अगर उससे इतर हम थोड़ा सा कुछ सोचते हैं समाज के बारे में, तो कहीं ना कहीं शायद हम इंसान कहलाते हैं। आज के कार्यक्रम से यही संदेश पूरे जनता को मैं देना चाहूँगा। SS एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला रोजगार, महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। साथ ही नारी शक्ति स्वरूपा जैसे विशेष कार्यक्रम चलाकर विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिए सराहनीय काम कर रहा है। नई दिल्ली, न्यूज़ फोल्डर, ब्यूरो रिपोर्ट।